हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग कैपिटल्स में। आज हम लोग संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न दोस्तों वर्ग 2 वर्ग 1 में पूछे जा चुके हैं और MPTET वर्ग 3 के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस सीरीज़ में दोस्तों ये चौथा लेक्चर है, इससे पहले 3 लेक्चर और आ चुके हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें भी देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शनि इत्यत्र विभक्ति क। शनि इत्यत्र विभक्ति क, ऑप्शन है प्रथमा, न कापि, पश्चिमी, तृतीय। शनि शब्द में दोस्तों कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, न कापि मतलब निम्न में से कोई नहीं, तीसरा है पश्चिमी और चौथा है तृतीय। तो दोस्तों शनि शनि एक अव्यय है और अव्यय का कोई भी शब्द रूप नहीं चलता। ठीक है दोस्तों, शनि एक अव्यय है और अव्यय का कोई शब्द रूप नहीं चलता। आगे बढ़े तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों न कापी, न कापी। अगला प्रश्न है, जानकी इतस्य अर्थ का। जानकी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है जनकस्य सखी, जनकस्य भार्या, जनकस्य पुत्री या ना कौड़पी। दोस्तों जानकी का अर्थ क्या होता है निम्न में समय पूछ रहा है। ऑप्शन है जनकस्य सखी, जनकस्य भार्या, जनकस्य पुत्री। सही उत्तर है दोस्तों इसमें जनकस्य पुत्री। ठीक है दोस्तों आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, चतुरेषु वेदेषु अंतिमः कः। चतुरेषु वेदेषु अंतिमः कः, ऑप्शन है ऋक, साम, अथर्व और यजुर। हमसे पूछ रहा है कि चौथा वेद कौन सा है। तो दोस्तों आपको बता दूं, सबसे पहले आया ऋग्वेद, उसके बाद आया यजुर्वेद दूसरे नंबर पे, फिर आया सामवेद और सबसे आखिरी में आया अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, मित्रलाभ कस्मीन काव्य विदते। मित्रलाभ कस्मीन वा काव्य विदते, ऑप्शन है पंचतंत्र, पंचतंत्र, महाभारते, रामायण या कादंब्र्या। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पंचतंत्र। इसका सही उत्तर है दोस्तों पंचतंत्र। पंचतंत्र में 5 तरह के तंत्र बताए गए हैं, जिसमें से पहला है मित्रलाभ, दूसरा है मित्र भेद, ठीक है दोस्तों, तीसरा है संधि विग्रह, चौथा है लब्ध प्रणाश और आखिरी है अपरीक्षित कारक। ठीक है दोस्तों, यह पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा द्वारा निर्मित है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुल 75 कथाएं हैं, 1103 पद हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें से मुख्य कथाएं हैं 6। मुख्य कितनी कथाएं दोस्तों? 6। ठीक है दोस्तों आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदे एतावांत भागो संति। ऋग्वेदे एतावांत भागो संति, दोस्तों इसका सही उत्तर है अष्ट। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद को या पहले वेदों को 2 क्रम से डिवाइड किया गया था। पहला था अष्टम क्रम और दूसरा है मंडल क्रम। अष्टम क्रम में दोस्तों 8 भाग होते थे और उन 8 भाग्यों में 8 अध्याय होते थे, 8 अध्याय हुआ करते थे। और मंडल तो आजकल हम यूज ही करते हैं, तो कुल
10 मंडल हैं इसमें, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं ऐसा में, ठीक है दोस्तों। तो दो चलता था, तो हमसे ये पूछ रहा है कि एकावंत में कौन सा कितने भाग हुआ करते थे, तो एकावंत में कितना होता है दोस्तों, आठ, अष्टो, आठ भाग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्यास भारते स्थिकाना कूट श्लोकना संख्या अस्ति। व्यास भारत में, महर्षि वेद व्यास द्वारा भारत महाभारत में कुल कितने कूट श्लोक हैं, तो कूट श्लोक की संख्या है दोस्तों अष्टो राष्ट्र सहरम, अष्टो राष्ट्र सहमरम, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, स्वाधीन पदस्य विप्रेय अस्थि। ऑप्शन है दीन, एकोरपि न, अधीन या पराधीन। स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होगा, स्वाधीन का विपरीत शब्द क्या होगा, तो दोस्तों उसका विपरीत शब्द होगा पराधीन, पराधीन, स्वाधीन का पराधीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, अज अस्य सूत, अज किसके सूत थे, मतलब अज के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन फर्स्ट है दिलीपस्य, रघो, ऑप्शन थर्ड है दशरथस्य या ऑप्शन चार है नलस्य। तो दोस्तों इसका विवरण रघुवंशम में दिया हुआ है, रघुवंशम में दिया हुआ है, जो कालिदास द्वारा रचित है, जो कालिदास द्वारा एक रचित ग्रंथ है, ठीक है दोस्तों, रचित ग्रंथ है ना दोस्तों। अब इसमें जो क्रम है मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि रघु के पुत्र थे अज, रघु के पुत्र थे अज, और अज के पुत्र थे दशरथ, और दशरथ के पुत्र थे राम, ठीक है दोस्तों। ये बीच में आप याद कर सकते हैं, ये चालू होता है रघुवंशम में मनु से, ठीक है, और अंतिम रघुवंश तक चलता है। मगर अभी हमारे जो काम का है वो क्या है, रघु, रघु के पुत्र थे अज, अज के पुत्र दशरथ, और दशरथ के पुत्र राम, ठीक है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या होगा, रघु। अज के पिता का नाम क्या था, रघु, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला है, प्रसिद्धति इत्यत्र लकार अस्ति, ठीक है दोस्तों। प्रसिद्धति में कौन सा लकार है, ठीक है, ऑप्शन है लेट, लट, लुट या लेट, ठीक है दोस्तों। तो इसमें लकार है दोस्तों लट लकार, इसमें है दोस्तों लट लकार। आप अगर देखें तो ये चलता है ती त अंति, ती त अंति, लट लकार में चलता है ती, मैं प्रत्यय बता रहा हूँ आपको, इसमें प्रत्यय लगता जाता है जो मूल शब्द होता है, ती त अंति, तो यह है ती, ती हो जाता है प्रसिद्धति, तो ये किस में आएगा, लट लकार में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला है प्रश्न, प्रहरे इतस्य अर्थ का, प्रहरे का, पहर का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है यम, काल, प्रहार या राग, ठीक है दोस्तों। तो पहर का अर्थ होता है काल, ठीक है। देशज भाषा में भी दो पहर कहा जाता है, दो पहर, तीन पहर, ठीक है। तो उसी के आधार पर पहर का मतलब क्या होता है दोस्तों, काल। आगे बढ़े, अगला है, बृहत कथाएं रचिता अस्थि। बृहत कथा के कौन रचिता हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन है सोमदेव, दांडी, गुणायन, शिमेंद्र। सोमदेव, दांडी, गुणायन, शिमेंद्र। तो दोस्तों बृहत कथा लिखी गई है गुणायन द्वारा, ठीक है दोस्तों। सोमदेव ने लिखी थी कथा सरित सागर, सोमदेव की रचना है कथा सरित सागर, ठीक है दोस्तों। और दांडी ने लिखी थी दश कुमार चरितम, और इनकी एक और रचना बहुत प्रसिद्ध है अवंती सुंदरी, ठीक है दोस्तों। और श्रेमेंद्र ने लिखी थी दोस्तों कवि कंठाभरण, श्रेमेंद्र की रचना का नाम है दोस्तों कवि कंठाभरण, ठीक है दोस्तों। और इस प्रश्न का उत्तर क्या था दोस्तों, गुणायन। बृहत कथा किसकी है, गुणायन की, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है,
निशायाम इत्यत्र पर्याय का, निशा का पर्याय क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है दिवसे, अपराह्णे, रात्रो या पूर्वासे। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? रात्र। निशा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रात्रि। ठीक है, अगला प्रश्न है साधकतम में कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक या संप्रदान कारक। ठीक है दोस्तों, तो साधकतम, साधक का शब्द रूप अगर हम देखें तो तम जो है उसके अनुसार करण कारक है। इसमें कौन सा कारक है दोस्तों? करण कारक। ठीक है, अगला है आसान, आसन इति क्रियापदस्य लकोरस्ति। आसन में कौन सा लकार है? ठीक है दोस्तों, लृट लकार है, लट लकार है, लिट लकार है या लड़ लकार है? तो दोस्तों देखिए यहाँ आसन है, आ से शुरुआत हो रही है, मतलब कि यह भूतकाल की बात कर रहा है, और अगर यह भूतकाल की बात कर रहा है तो यह पक्के से लड़ लकार है। ठीक है दोस्तों, यह लड़ लकार है। ठीक है दोस्तों, यह लड़ लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन है। आसन में प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष बहुवचन का, बहुवचन में यह आसन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है षडेते इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। षडेते में कौन सा संधि विच्छेद, इसका क्या होगा? ऑप्शन है षट धन एते, षडे धन ते, षड धन इते, षड धन इते। तो दोस्तों इसका सही होगा षड धन एते, पहला। पहला देखिए दोस्तों कैसे होता है, ये देखिए पहला श है, ट है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि यह एक व्यंजन संधि है, यह एक व्यंजन संधि है। एक मिनट, यह दोस्तों एक व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है यहाँ। ठीक है दोस्तों, श का श रह जाएगा, ट ट ए के साथ जब मिलेगा दोस्तों, तो ये ट जब ए के साथ मिलेगा तो इस व्यंजन संधि में रूल चलता है कि पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तो ट जो है वह ड में बदल जाएगा, ट जो है वह ड में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ट जब ड में बदलेगा तो ये ड आ जाएगा, उसके पे ए की मात्रा और ते, षड़ ते। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला है, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आगे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।